सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है सुमित बैणीवाल, गांव सिरसा से, चाडीवाल गांव। पूरे बच्चे ने पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट स्थान लेकर जो है अपने माता पिता गांव एकेडमी का नाम रोशन किया है। तो आज हम लाइव जुड़े हुए हैं CCSH यूनिवर्सिटी से। पीछे आप देख रहे हो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज यहाँ पर हम विद्यमान हैं CCSH यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो सुमित का सिलेक्शन हो चुका है, पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक है। तो सुमित भाई, क्या दूसरे बच्चों को आप मैसेज दोगे कि इसी तरीके से स्थान लेना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है तो किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी? एग्री एकेडमी का क्या रोल रहा है इसमें? सर, जैसे सराज मेरा चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 6 ईयर BSc एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक, और आज मेरा एडमिशन हो गया CCSHAU के अंदर, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता और एग्री एकेडमी प्रवेश सर और अनिल सर को देना चाहूँगा। आप सभी से मैं यही कहता हूँ कि फुल बढ़िया तैयारी करें, सारे डाउट क्लियर करें, और एग्रीकल्चर प्रवेश सर जो पढ़ाएंगे वो बढ़िया से पढ़ें और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ें, और सारी बढ़िया तैयारी करें, कोई भी डाउट ना रखें, सारे डाउट सॉल्व करें, और हर टेस्ट और सारी क्लासेस अटेंड करें। एक क्लासेस का भी कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए आपकी, और आप बढ़िया आराम से तैयारी करें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी ये कर लें वो कर लें, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ें और लेट तक पढ़ेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आप 1 महीना पढ़ लेंगे, 2 महीना पढ़ लेंगे, आपको बहुत अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेनी है, इसलिए आप कंसिस्टेंसी से और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई करें। तो आपको क्या लगता है जो ड्रॉपर बैच में आएगा अपने एग्री एकेडमी में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे रह गए हैं? उनको यही कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, और अगर आप एक साथ ये सोच के चलें कि आज मैं 2 चैप्टर कर दूं तो वो आप कर देंगे, पर आपको वो 1 हफ्ते बाद वो कुछ याद नहीं रहेगा। वही अगर आप 2 चैप्टर 2 हफ्ते में करेंगे तो आपको वो 2-3 महीने तक अच्छे से याद रहेगा, इसीलिए आप धीरे धीरे और कंसिस्टेंसी से। ये नहीं कि 1 दिन 10 घंटा पढ़ लें और 1 दिन पढ़ाई नहीं, आप जी 4 घंटे पढ़ लें वो डेली रेगुलर जरूर पढ़े, वो आपको आगे काम आएगा। आपको अब आप लगेगा कि मैं नॉर्मल हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर अगर आप जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा आपको खुद को अपने अंदर की जो आपकी पहले मेहनत की हुई है वो आपको यहाँ पे साबित हो जाएगी कि आपने ये मेहनत की हुई है। जो अपने ड्रॉपर बच्चे हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजी और बता दे, भाई कैसे पढ़ें, क्या करें स्ट्रेटेजी सुबह एग्रीकल्चर में, कैसे साइंस में कैसे? सुबह जल्दी उठें और बढ़िया भगवान का नाम ले दें, उनकी शुरुआत अच्छे से करें, और अपना एक बढ़िया टाइम टेबल फॉलो करें। जैसे सुबह 1 घंटा पढ़ लिया, आपको जैसे याद करने वाली चीज़ है, करंट की चीज़ है, जो जैसे सीड रेट हो गए, स्पेसिंग हो गए, वो अगर शाम को करेंगे तो वो आपको बहुत मुश्किल याद होगी, और वही चीज़ आप सवेरे याद करेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होगी। और कंटेंट आप जो भी पढ़ें वो सही चीज़ पढ़ें, जैसे कुछ भी पढ़ लिया ये कोई मायने नहीं रखता, जो प्रॉपर चीज़ पढ़े जो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सिटी को भी उसके सामने झुकना पड़े। जैसे HU की बुक्स है, जो सर डाटा दे वो याद करे, और साइंस NCERT के साथ साथ थोड़ी हाई लेवल की भी, जो आप जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं वो +1 भी साथ कर रहे हैं तो +1 की बायो वो बढ़िया तरह से करें, फिर उनको 10th की बायो में कोई दिक्कत आएगी नहीं, +1 साथ साथ कर रहे हैं और वो भी करें, और 10th की बायो तो उनके अपने आप हो जाएगी, और बढ़िया साइंस को भड़के में ना ले, साइंस भी बढ़िया पूरा टाइम दे। कई कई बच्चे करते हैं एग्रीकल्चर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो साइंस में ध्यान ही नहीं देते, पर साइंस को भी इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है क्योंकि साइंस की वेटेज 60% है। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़े हैं सुमित के पिताजी। तो सर जी, बेटे का सिलेक्शन हो गया फाइनली, और जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सबसे पहले तो जी मैं बहुत भगवान का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा जो हमें हम सबको इस काबिल बनाया। काबिल क्या बताओगे, भी हमें जो इसार का HU का मेन रोड पे जो गेट है उसके आगे से गुजरते थे तो हमें ऐसे लगता था भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं खास उनमें हमारा बच्चा भी अगर पढ़ाई करे तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं। मेरे जो फादर साहब है वो स्वर्गीय हैं, अभी नहीं रहे, पर वो उस टाइम भी अखबार पढ़ा करते थे तो अखबार में जो फोटो आती थी बच्चों की, जो बच्चा टॉप किया उसकी फोटो आती थी, तो उस टाइम ये सोचते थे भाई ये जो फोटो लगाते हैं ना ये या तो कोई VIP पर्सन होगी या इनकी कोई किस तरह कोई सेटिंग होगी, कोई उसी तरह कोई करते होगे, बाकी ऐसा नहीं, थोड़ा भी आम बच्चा जो हम आम परिवार से हैं कोई और है जो खेती हम खेती करते हैं, हमारा बच्चा भी कभी टॉप आएगा, पर उनका जो सपना था वो आज हमारे बेटे सुमित ने और जो एग्री एकेडमी इसके जो अनिल सर और प्रवेश सर ने, दोनों इन तीनों की मेहनत कहते हैं, हम तो त्याग ही किया है, पेरेंट्स ने तो सिर्फ 1 साल का त्याग किया, बच्चे को इनको दे दिया, बाकी जो इन्होंने तैयारी करी है उनके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। और कहते हैं भी अगर कोई बच्चा कामयाब होना चाहे तो ज़्यादा त्याग की जरूरत नहीं है,
सिर्फ एक साल पेरेंट्स से कहते हैं भी एक साल का त्याग करके देखो, एक साल बच्चे को इनके पास छोड़ के देखो एकेडमी में, अगर रिजल्ट ना मिले तो आगे तो बच्चे का किस्मत ही कह सकते हैं, बाकी किस्मत लिखने वाले बनाने वालों में एग्री एकेडमी की कोई कमी नहीं है जी मुके की। तो आज की तो ये बात है, क्यों अभी हमें एचयू के अंदर खड़े हैं बताओ, कभी तो हम सोच रहे थे भी कभी हमारा रोड पे निकलते हुए भी कभी हमारा भी जो गेट देखते थे, आज हमारा सौभाग्य पीछे देखो हम उसी एकेडमी के अंदर बेटे का एडमिशन कराया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ये जो सरस परिणाम है, जैसे सुमित के पिताजी ने बताया कि कभी चार नंबर गेट के आगे से जाते थे तो देखते थे कि कभी हमारा बच्चा क्या इस एकेडमी में पढ़ेगा, आज उसी बच्चे ने पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक लेकर ये साबित कर दिया कि हौसलों से उड़ान होती है, मेहनत से उड़ान होती है, अगर मेहनत करें तो चमत्कार होंगे। अब ऐसे चमत्कार एग्री एकेडमी में ही हो सकते हैं। लगातार 3 साल से हरियाणा में फर्स्ट रैंक दे रही है। इससे पिछली वीडियो हमने जो है प्रवीण खरब के दादाजी के साथ शूट की थी इसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सामने, और उससे पिछली बार जतिन बिसला के साथ, और तीसरी वीडियो सुमित बेनीवाल के साथ, और चौथी वीडियो देखिएगा कौन सा बच्चा, शायद मुझे वो बच्चा सुन भी रहा हो ऑनलाइन माध्यम से। तो मैं कहता हूँ कि हौसलों से उड़ान होगी, अगर हौसला जितना मजबूत होगा उड़ान उतनी ही बेहतर होगी। तो सभी को इनवाइट करूंगा एग्री एकेडमी हिसार में। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक ही बात कहूंगा, जो सुमित ने पूरा आपको बताया लेकिन उसमें एक ही बात मेन निकल के आई, कंसिस्टेंसी। भाई आप यदि हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे ना तो प्यारे बच्चों आपको पता ही नहीं चलेगा, एक दिन आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। यदि आप 3 से 4 महीने यदि आप धीरे धीरे पढ़ते गए पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और कंप्लीट साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद तो आपने टेस्ट पे टेस्ट देने हैं। जैसे एग्री एकेडमी हिसार लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास, क्यों? क्योंकि नाइट क्लास और 145 टेस्ट लिए हैं इस बार। 145 टेस्ट किसके होते हैं? जो ड्रॉपर बच्चा ज्वाइन करता है सिलेबस उसका हो जाता है, फिर टेस्ट ही टेस्ट देने होते हैं। जितने आप टेस्ट देते जाओगे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और सपना बनेगा कि हरियाणा में फर्स्ट रैंक लाना है। जैसे सुमित बेनीवाल फ्रॉम गाँव चाड़ीवाल सिरसा से, पूरे सिरसा प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। सिरसा के बेटे ने पूरे हरियाणा में 3.5 करोड़ जनता में टॉप करके दिखाया है और गांव चाड़ीवाल का नाम रोशन किया है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की इसके पीछे मेहनत है, दिन रात मेहनत है, और दिन रात मेहनत आज रंग लाई है, आज इसका सपना पूरा हो गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, सभी को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद जय भारत।